हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक नए फ्रेश ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं करीबन 5:15 और मैं आ चुका हूँ चिराग दिल्ली के पास। एक्चुअली हुआ क्या कि आज एक था बैच मॉर्निंग में 11 से 12 बजे तक, उसके बाद एक बैच था 3:30 से 4:30 बजे तक, और अभी दो बैचेस हैं, एक 6:30 से 8 का और एक है 8:20 से 9:20 का। तो थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि ना वीडियो बना लिया जाए। और आज मैं सेंटर नहीं गया बिकॉज कोई भी ऑनलाइन बैच है नहीं, तो मैंने सोचा सेंटर क्यों जाना आज, क्योंकि मुश्किल से यहाँ पर आधा घंटा वेट कर रहा है, फिर जाना है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो क्यों जाना आज सेंटर। तो इसलिए थोड़ा आज घर से लेट भी निकला था। आज मैं निकला हूँ घर से करीबन 2:15 बजे और 3:30 बजे वाले बैच में आराम से पहुँच गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप जाके वीडियो बना रहा हूँ। सो मतलब यही सब आज का रूटीन था, तो सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम था मेरे पास। सो अब जाके जो है मतलब वीडियो बना रहा हूँ और धीरे धीरे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद में आपसे मिलता हूँ, ठीक है, ओके। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि लाइटिंग कितनी अच्छी मिली है मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पर आज खड़े होकर वीडियो बना लेता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, लाजपत नगर पीछे बीता है जस्ट अभी, और यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट्स लगी हुई थी। तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, मैं रुकता हूँ स्टैंड पर रुक के वीडियो बनाता हूँ, बट सोचा कि क्यों ना आज यहाँ पर रुक के वीडियो बनाएं। तो मैं दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ पर रुका हूँ, ये देखिए। मतलब काफ़ी सारी लाइट्स है और इससे मतलब अलग एक्सपीरियंस हो रहा है वीडियो बनाने का। तो एज अ ब्लॉगर ना जब भी क्या होता है कि जहाँ भी लाइट अच्छी मिले, और ये तो मुझे लग रहा है कि मेरी जो लाइट घर पे लगी हुई है उससे भी काफ़ी अच्छी, मतलब जो मैं अलग से लगाता हूँ वीडियो बनाने के लिए उससे ज़्यादा रोशनी आ रही है, बिल्कुल चेहरे पे ग्लो सा आ रहा है। लेकिन ठीक है यार, मतलब ब्लॉगिंग में यही है कि जहाँ भी मौका मिले आप वहाँ पे तैयार हो जाओ वीडियो बनाने के लिए, तभी ब्लॉगिंग में जो इंटरेस्ट आता है मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे मैं किसी ब्लॉग देखता हूँ तो मुझे रहता है कि यार उसमें अलग अलग सीन दिखें, अलग अलग जगहों के सीन दिखें, तो वैसे ही मैं भी ट्राई करता हूँ कि अपने सारे ब्लॉग्स में उस टाइप की वीडियो बनाने का, जिससे जाके जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको देखने में मज़ा आए। तो बस देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वीडियो अच्छे बनाने की। अब बताएंगे तो आप ही लोग कैसा वीडियो बन रहा है, बिकॉज एज अ व्यूअर आप देख रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि अच्छी वीडियो बनाऊँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं कोशिश करता भी हूँ और जितना हो पाता है बनाता भी हूँ। बट एज अ जेन्युइन अगर रिव्यू देना है तो वो देख सकते हैं सिर्फ आप लोग, बिकॉज ये वीडियो बन रही है सिर्फ आप लोगों के लिए। सो अभी करीबन बज रहे हैं 9:30 और मेरा लास्ट बैच ख़त्म हो चुका है, तो अब जा रहा हूँ घर को। और सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी ईद, आज ईद है, ईद मुबारक सब लोगों को, और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ईद मना लिया होगा। सो बस यही है, कोरोना वायरस की वजह से सब लोग मतलब पूरी तरह से मना नहीं पा रहे हैं सारे फेस्टिवल्स, लेकिन सब नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आपने फेस्टिवल मनाया होगा, ये आशा करता हूँ। सो बस मेरा भी यही चल रहा है, लेकिन अभी कहते हैं ना काम ज़रूरी है, तो काम भी करना ज़रूरी था, इसलिए बैच करने आया हूँ। क्योंकि अभी चल रहे हैं बच्चों का टेस्ट, मंडे को टेस्ट है, तो टेस्ट में अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए मतलब आज ईद है तब भी मतलब पढ़ाने के लिए आया हुआ था, लेकिन ठीक है यार, बच्चों का मतलब प्रिपरेशन जरूरी है, तो वो चीज़ करने के लिए आना काफ़ी बनता था। तो ठीक है दोस्तों, अभी एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं अपने घर को और घर को निकलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से जाने लगेगा हमें कम से कम 1 घंटा 10 मिनट के बच जाएंगे, और फिर हमको बनाना है अपने मेन चैनल के लिए 2 वीडियोज़, तो वो बनाएंगे घर जाके। तो बस यही सब कहानी है, पैसेज खत्म होने के बाद मेन फोकस रहता है घर पहुंचना और उस पर वीडियो बनाना, जो क्योंकि मेन चैनल पर डालना ही डालना होता है डेली। तो बस उस चक्कर में अपना ब्लॉग भी काफ़ी रेडी हो जाता है, ब्लॉग भी अच्छे से लग जाता है। तो बस देखते हैं यहाँ से निकलते हैं घर को, और फिर अब करते हैं क्या कि घर में जाके फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। सो दोस्तों, उसके बाद में घर आ गया था और 10:30 अराउंड में घर पहुँचा हूँ। फिर मैंने अभी जस्ट 2 वीडियो शूट करी है मेन चैनल के लिए, और उसके बाद अब जो है ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। सो मतलब आज का दिन तो काफ़ी अच्छा था और बारिश भी नहीं हुई, तो मतलब इजीली घर भी पहुंच गए, और ट्यूशन भी बिल्कुल टाइम से हो गए हैं। सो अगर ऐसा रहा तो ठीक है, मतलब बारिश ठीक है, कभी कभी होना अच्छा होता है, लेकिन जब बहुत बरसती है तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब कीचड़ पूरा गीला, मतलब बड़ा बेकार सा फील होता है। सो आज वैसे मैं सेंटर नहीं गया था बिकॉज सेंटर में कोई बैच था नहीं, और ऑनलाइन क्लासेस भी मतलब जो थी वो मैंने सुबह ले ली थी, सो इसलिए जाने का मतलब बनता नहीं। तो मैंने इसलिए थोड़ा पहले मेट्रो पर रुक के वीडियो बनाया था, एक मतलब चिराग दिल्ली के पास, आप लोग अगर पता होगा कि मेट्रो जैसा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा एरिया है, तो मैंने वहाँ पर थोड़ा शूट किया था। उसके बाद जब आ रहा था तो शूट किया, मतलब बीच में ट्राई किया कि रिकॉर्ड कर पाऊँ पूरा का पूरा, और रिकॉर्ड करा भी। सो मतलब काफ़ी मज़ा आया शूट करने में। और इस वक्त जो मैं आया हूँ तो रोड मतलब एकदम खाली खाली मिले मेरे को, बिल्कुल खाली, जैसे लग रहा था कि लॉकडाउन हो गया, लेकिन ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूरे एकदम रोड खाली, जैसा लग रहा था मुझे कि मतलब मुश्किल से 3-4 लोग, कहीं पे 10 लोग मैक्सिमम, इतना लगा। लेकिन जहाँ पर जाने मुझे लगता है करीब 1.5 घंटा, तो वहाँ पर करीब सिर्फ आज 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट कुछ लगा है। सो ऐसा रहे तो ठीक है, लेकिन जाम तो लगेगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब ट्रैवलिंग करेंगे। हो सकता है कि आज ईद है, सो मे बी रीज़न हो कि छुट्टियाँ हो, और या तो हो सकता है कि मैं काफ़ी लेट भी निकला था, सो इसलिए भी शायद इतना मतलब कम भीड़ होगा, कुछ भी हो सकता है रीज़न,
कुछ मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन ठीक है ईजिली मतलब घर पहुँच गए थे। एक्चुअली मुझे ना यही टाइम पसंद है, मतलब इस टाइम में क्या होता है कि रोड पे ज़्यादा जाम लगता नहीं और ईजिली पहुँच जाते हैं, क्योंकि जब मैं देखा है जब मैं निकलता हूँ 7 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे तो तब भी पहुँचता हूँ 9:30-10 बजे ही, और जब मैं निकलता हूँ 9:20 पे या 9:30 बजे तभी पहुँचता हूँ 10:30 पे, तो ज़्यादा फ़ायदा मतलब इसी में थोड़ा लेट से निकलो और जल्दी पहुँच जाऊँ, ज़्यादा सही रहता है मतलब। सो ये है, तो मतलब यही सब आपको बताना था, और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सारी वीडियोज़ देख रहे हैं और व्लॉग्स मतलब लगातार देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए कि आप लोगों का सपोर्ट बना हुआ है। बस ऐसे ही सारे व्लॉग्स देखते रहिए, डेली कुछ ना कुछ आपको नया देखने को ज़रूर मिलेगा, डेली मैं कुछ ना कुछ नया करूँगा, बिकॉज व्लॉग ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको जो रियलिटी है वो दिखती है, तो रियलिटी में उसमें कुछ मैं मिक्सिंग नहीं करता, जो रियलिटी में होता है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सारे व्लॉग्स देखिए, 365 डेज में 365 व्लॉग्स देखिए, डेली व्लॉग्स हम लोग कर रहे हैं सुबह 8 बजे, तो सुबह 8 बजे सबसे पहले व्लॉग को देखिए और अपने दिन की शुरुआत जो है इस व्लॉग के साथ ही किया कीजिए, और जैसा भी आपको लगे कमेंट कर देना कि अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, वो सब आपके ऊपर है। आप अगर कुछ बुरा कमेंट भी करेंगे कि आपको ये कमी लग रही है तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, एक्चुअली उससे क्या होगा और इम्प्रूवमेंट होगी व्लॉग में, तो आपको ये नहीं करना सिर्फ अच्छा ही बताना है, जो आपको लगे कि वीडियो में कमी हो रही है वो सब बताना है, मतलब आप जानते हैं मैं डेली सेम चीज़ बोलता हूँ तो आज रिपीट नहीं कर रहा, बस आप लोग व्लॉग देखो एंजॉय करो। सो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।